Hey friends, good evening and welcome back to the channel. Hope you people are doing absolutely fatafati. आज है वेडनेसडे 23rd of December. मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है दो दिन से, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बोला था, मम्मी पापा बाहर गए हैं. वहाँ पे जाके मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया है. मम्मी आएंगी या तो मैं जाऊँगी मम्मी के पास दो तीन दिन में. 22 तारीख 22nd of December मम्मी वापस आ गई है, लेकिन घर तक नहीं पहुंची. मम्मी अभी हॉस्पिटल में है. शी इज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड क्योंकि उनको सीवियर सेलुलाइटिस हो गया है. उनका पैर का कंडीशन इतना ख़राब था कि मुझसे देखकर रहा नहीं गया. मैं तिलबिला उठी थी कि मम्मी आपको क्या हुआ है, आप तो एंजॉय करने के लिए गए थे, ऐसा कैसे हो गया है. हम लोग बहुत खुश थे कि मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, हैदराबाद से ट्रीटमेंट करवा कर आए हैं. नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन. जो प्रॉब्लम था वो हम लोग क्योर कर लेते, लेकिन वहाँ पे जाकर ऐसा प्रॉब्लम हो गया है. सभी का मेंटल कंडीशन बहुत ही ख़राब है. तो अभी अपने रेगुलर बेसिस में मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ. कल से सिर्फ मम्मी के वहीं पे मैं भागा दौड़ी कर रही हूँ. खाना लेकर जाना, पानी लेकर जाना, जो भी चाहिए. एक्चुअली जो नर्सिंग होम है हमारे घर के बहुत पास नहीं कहूँगी, थोड़ा दूर पे है, लेकिन असिस्टेंस के लिए जाना पड़ रहा है वहाँ पे. कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़े, क्या क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट का प्रोसीड्योर है, क्या कर रहे हैं डॉक्टर्स, क्या कह रहे हैं, वो सारे एडवाइसेस के लिए वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ रहा है. इसी वजह से मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी. और सामने ही आ रहा है क्रिसमस. क्रिसमस की बहुत सारे प्लानिंग्स थे जो अभी पता नहीं क्या होगा. क्रिसमस के प्लानिंग का कोई डेकोरेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मम्मी ही नहीं है घर पर. अभी पूरा जो मेरा मस्तिष्क है वो मेरी मम्मी के पास ही छूटा हुआ है. मेरा ही नहीं, हम घर के सारे सदस्यों का. मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरी मम्मी के लिए थोड़ी दुआ करें कि वो जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाए. और जीसस क्राइस्ट से भी मैं कहती हूँ कि प्लीज़ उन्हें घर जल्दी आप भेज दो. अच्छा नहीं लगता है. बस और क्या, अभी तो मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. देखती हूँ अभी ठीक है, थोड़ा बहुत उनका कंडीशन बेटर है. डॉक्टर ने कहा कि अभी टाइम लगेगा. अगर हो सके तो मैं मम्मी से मिलवाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि अभी व्लॉगिंग करने का इंटेंशन मेरा बिल्कुल नहीं है. क्योंकि मैं मेरा गैप हो जा रहा है व्लॉगिंग करने में, इसी वजह से मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाला है. तो खैर, प्लीज़ 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 आप लोग प्रे करिए मेरी मम्मी के लिए कि वो जल्दी से ठीक होकर आ जाए और मैं अपने व्लॉगिंग वापस से कंटिन्यू कर पाऊँ. और क्रिसमस आ रहा है, आप सभी को मैरी क्रिसमस, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, वेरी हैप्पी न्यू ईयर. क्योंकि 2020 तो किसी का भी अच्छा नहीं गया, किसी किसी का अच्छा गया, किसी किसी का अच्छा बिल्कुल नहीं गया है. तो ऐसा साल भगवान किसी को भी ना दे. 2020 ने बहुत सारे चीज़ों को अप एंड डाउन किया है. तो 2021 का हम स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. और आप सब भी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और सो जाइए. रात हो गया है, ज़्यादा लेट मत करिए. टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.